आपको वेलकम करते हैं मेरे चैनल में जस्ट फॉर व्हील्स के लिए। ये हैं हमारे शकूर भाई, ये आज इनकी अपनी गाड़ी है सुजुकी एफएक्स, इसका हम आपको रिव्यू देंगे। तो आए आपको मिलवाते हैं शकूर मक्सी साहब से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये गाड़ी है जो मैं 10 साल से चला रहा हूँ, एफएक्स 88 का मॉडल है। ये 10 साल पहले मैंने 1,10,000 रुपये में से ली थी और उसके बाद आज तक जो है मैं इसको मेंटेन करता आया हूँ। और इसका लेवल बदल मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है, कोई भी गाड़ी इसका जो है इसकी सानी नहीं है। लिहाजा आप दोस्त जो भी हैं, अगर इस गाड़ी को अगर लेना चाहते हैं तो मेरी राय है कि ये गाड़ी जस्ट लाइक मोटरसाइकिल है और आप इसको यूज़ करें, खड्डों में, पानी में, कहीं पे भी चलाएं और ये गाड़ी आपका साथ नहीं छोड़े। तो आप ये बताइए कि गाड़ी ये सीएनजी पे कैसे चलती है? सीएनजी में भी बहुत अच्छी चलती है। अगर आपको सीएनजी पे चलानी है, इतनी बड़ी गाड़ी तो है ही नहीं, 800 सीसी इंजन है, तो सीएनजी भी इसमें लगी हुई है, मगर मैं सीएनजी पे बहुत कम यूज़ करता हूँ। पेट्रोल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, पेट्रोल की एवरेज एवरेज इसकी 14 से 15 किलोमीटर देती है, 14 किलोमीटर तक शहर में। अगर आप इसको हाईवे पे निकालेंगे 18 से 20 किलोमीटर 1 लीटर में देती है ये एवरेज है ना। इसका इंजन मैं काम करवाता रहता हूँ गाड़ी पे ना, पूरा इस गाड़ी का अगर ओवरऑल इंजन बनवाना हो तो कितने पैसा बन जाता है? ये ज्यादा में ज्यादा 30-40 हज़ार रुपए में आपकी रेडी हो जाती है गाड़ी, 30-40 हज़ार में पूरा इंजन सब रेडी ओवरऑल पूरा हो जाता है ना। और सामान आराम से मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, हर शहर में मिलता है, हर कस्बे में इसका सामान मिल जाता है, आपको कहीं पे भी जाए कहीं टेंशन नहीं होगी। तो सस्पेंशन जो है इस गाड़ी का 3-4 हज़ार में बन जाता है, पूरा रेडी हो जाता है, रेडी हो जाता है 5 हज़ार में पूरा एक्सले वैक्सले सब मिल जाता है। तो अभी ये 2019 चल रहा है, अब इसको आप सेल करेंगे तो कितने तक ये इस वक्त जो है मुझे तकरीबन 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे इसके आराम से, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन मैंने बहुत अच्छी रखी हुई है। तो ये बेचना चाहें तो गाड़ी आराम से बिक जाए? मैं तो खैर नहीं बेचूँ, आराम से बिक जाती है, मगर मैं तो बेचना नहीं चाहूँगा इसको, क्योंकि मुझे 10 साल हो गए इसको रखे हुए और मजीद मैं अपने पास रखना चाहता हूँ इसको ना, अभी मैं बेचने का कोई इरादा नहीं है मेरा। तो मैं आप सजेस्ट करते हैं कि जिन लोगों का बजट कम है वो ये गाड़ी बेहतरीन गाड़ी है, बजट कम वालों के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आप मार्केट में कहीं पर भी चले जाएँ इस गाड़ी का कोई भी लेवल बदल नहीं है। इंजन इसके आपके इंजन के बारे में थोड़ा बताते हैं आपको, तो शकूर भाई बताइए। ये इसका 800 सीसी इंजन है, ठीक है, और इसकी बैटरी भी परफेक्ट है, मैंने नई बैटरी डलवाई है, रेडिएटर वगैरह भी नया डलाया हुआ है ना। ये कितने का मिल जाता है? ये तकरीबन आपको 4,500-5,000 रुपए में बेहतरीन रेडिएटर मिल जाता है। अच्छा, तो ये कि सीएनजी जो है इसमें सिलेंडर कितने का लग जाता है? सीएनजी का सिलेंडर इसका 50 का रेंडी जोन जो सीएनजी लगा हुआ है, जब मैंने खरीदी थी 10 साल पहले जब से लगा हुआ है। अच्छा, तो सीएनजी फुल सिलेंडर में कितनी चल जाती ये है? ये यहाँ से आप हैदराबाद क्रॉस कर जाएं। अच्छा, 150-200 किलोमीटर आराम से चलेगी? आराम से चली जाएगी तकरीबन। अब तो सीएनजी थोड़ी सी महंगी हो गई है। अच्छा, वो वक्त भी था मैं 500 रुपए में जो है हैदराबाद क्रॉस करता था। 500 की सीएनजी में मैं हैदराबाद क्रॉस करता था इस पे ना, ठीक। और मैंने इस पे बहुत बहुत ट्रैवलिंग की है, तकरीबन मैं 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा इस पे ट्रैवलिंग कर चुका हूँ। तो ये एक दफा इसका इंजन बना के 2-3 साल आराम में चल जाता है? ये 5 साल तक आपसे काम नहीं मांगेगा, एक दफा आप इंजन इसका फुल जनरल करवा लें, सही है, 5 साल तक कोई काम नहीं मांगेगा। मतलब इतने पैसों में इतनी अच्छी गाड़ी कोई बेहतरीन है, कम खर्च कम आमदनी वालों के लिए, छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। और अगर आप इसको एक दफा खरीदेंगे दोबारा आपका बेचने का दिल ही नहीं करेगा। ये बताइए आपकी हाइट जैसे 6 फीट से ज्यादा है तो आप आराम से इस गाड़ी में बैठ जाते हैं? 6 फीट मेरी हाइट पूरी 6 फीट है, मैं आराम से गाड़ी में बैठ जाता हूँ, मगर ये कि पीछे अगर थोड़ा सा कोई बैठेगा थोड़ा सा फंसता है उसमें ना। अच्छा, क्योंकि गाड़ी थोड़ी छोटी है। जैसे दोस्तों आप ये देख रहे हैं इनकी हाइट माशाल्लाह 6 फुट है मेरी, तो ये भी इस गाड़ी में बैठ सकते हैं आराम से, इनके साथ भी बंदा आराम से इजीली बैठ सकता है, 4 बंदे इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। हाइट भी आप देख सकते हैं, ये छत की हाइट, डैशबोर्ड इसका आप देख सकते हैं, इतना पुराना होने के बावजूद भी गाड़ी का डैशबोर्ड बिल्कुल साफ है, गाड़ी पूरी ओरिजिनल है। और इतना एसी इस गाड़ी में अमूमन नहीं आपको मिलेगा, तो पेट्रोल सीएनजी के एतबार से, स्पेस के एतबार से बहुत बेहतरीन है गाड़ी। अगर आप लेना चाहते हैं तो हम भी सजेस्ट करेंगे कि आप ये लें। और ये मॉडल आपने कौन सा बताया था? ये 88 का मॉडल है, मैंने इसमें स्टेयरिंग चेंज करवाया था, स्पोर्ट्स का स्टेयरिंग लगवाया है, क्योंकि जिसकी हाइट लंबी होगी तो स्टेयरिंग थोड़ा सा बड़ा होता है, वो टकराता है टांगों से ना, तो इसलिए मैंने छोटा सा स्टेयरिंग लगवा लिया। और स्टेयरिंग की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है इसकी ना, सीटें वीटें मैंने बनवाई थी।